कब की घटना है तो आप बता दीजिए। कल 12 बजे रात की है, हम यहाँ रहते ना, हमारा घर उधर है, हम सबसे परेशान हैं। अच्छा अच्छा, हमारे चाचा को हमसे सुबह 5 बजे पता चला। ये हिसाब यहाँ मिल गया भैया, कैमरा लगाओ भैया। ये बाहर चला, बाहर चला, बाहर चला, ये निकल निकल, बाहर निकल, कहीं अंदर बाहर निकल जाते हैं। कहाँ कहीं आए तुम? कहाँ अभी साफ है भैया। हाँ, मेरे घर में बंद है, सब की घटना है। ये 12 बजे रात, यही रात जो गई हुई थी। कब की घटना है तो आप बता दीजिए। कल 12 बजे रात की है, हम यहाँ रहते ना, हमारा घर उधर है, हम सबसे परेशान हैं। अच्छा अच्छा, हमारे चाचा को हमसे सुबह 5 बजे पता चला। साफ रात को जब काटा, दिन को कहाँ ले गए सब लोग? सर हमको नहीं पता कहाँ ले गए, कहीं गए पहले, वही ले गए कर्तिरामपुर ना, कर्तिरामपुर लेकर गए थे। इसके बाद सूरतपुर मना कर दिए, इसके बाद सूरतपुर आए, वहाँ पे एक डॉक्टर, वहाँ पे जो है कि बोतल वोतल अपना चढ़ाए, इसके बाद वो भी नहीं खा, इसके बाद सागन गए, सागन की तरफ फील करेंगे ज्ञान तो वो लोग डेट कर गए, डेट हो गया इसका। जी जी, चलिए भैया थोड़ा पकड़ा जी, एक बार देखते हैं अपने घर में इंसान दिखा दे। अच्छा, ये तभी से लगा है इसको, यही बिथाओ बिछाया, यही सो गया है बाहर से। अच्छा हाँ, बस काटा, काटने के बाद वो जाने लगा, तब उसने देखा है, बताया उसने। अच्छा, उसने बताया हमें सांप काट काट लिया है। ये थोड़ा सा बिस्तर उसके बाहर करना पड़ेगा, थोड़ी चौकी उकी। तो होगा तो यही कहे आराम से पकड़े और नीचे साफ। ऐसे निकालिए, ऐसे घुमा दीजिए। लाइट दिखाते रहिए भैया। यस सर, गहराई से खोदिए भैया, इसी वहां तक मिट्टी ले जाइए पीछे तक। देखिए दीवार में भी जगह है और इधर भी जगह है, इधर में एक कैमरा। एक लोग ये इधर आ जाएंगे।
भैया उधर से हट जाइए, वहीं जाएगा। यहाँ बहुत दिन से सांप रहता था, इसका बाउल कर दे, बस मेरा सांप देखा था ना आया था। सांप टट्टी किया है, यहाँ भी किया है, देखिए यहाँ भी किया है। अच्छा सांप है, जगह है। ये है सांप, यहाँ निकल गया। कैमरा लगाओ भी, ये बाहर चला, बाहर चला, बाहर चला, ये निकला, निकला बाहर, खराब कहीं निकल निकल जाते हैं। आ जाओ भाई, देखा सर सामने है, कोई आड़ है, कोई झूठ, कोई मेहमानी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद हुआ, एक सांप दोस्तों जो हमारे परिवार को थोड़ी सी गलतियों की वजह से लोग आज भी झाड़फूँक के चक्कर में गए और जहां पर उनके प्राण बच नहीं पाए। तो दोस्तों इसके बगल में भी एक रूम है, उसमें भी खोदा जा रहा है, यहाँ पर भी रात 12 बजे की घटना है और ये हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको पकड़ने की फिराक में यहाँ पर आए, जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं, सांप इसी के अंदर है, देखें भैया आप लोग सही है। चलिए दोस्तों हम उसके करीब में आ चुके हैं और एक इंडियन स्पेक्टरल कोबरा ये है। तो दोस्तों भैया थोड़ा शांति, आप मत बोलिए, सिर्फ सुनिए। जी सर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा बिलहोल है, इसी प्रकार से घर में स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार इंसान इन सब चीज़ों को रखता है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा, आज हमारे घर में ये दुर्घटना हुई है, शायद कल आपके घर में ना हो। तो होता ही है दोस्तों कि भोजन की तलाश में रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में ऐसे ही भटकता रहता है। वो बेड पे आए सोने के लिए, उनकी उम्र 22 साल, और जैसे उसको ये पता चला कि यहाँ पर चूहा है, वो सीधा उनको पैर में काट लिया। और रात में दोस्तों लोग झाड़ फूँक के चक्कर में गए, 40-50 मिनट 1 घंटे बीत गया और जहाँ पर वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर दोस्तों से आप सतीश भैया चला 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 यहीं पर ये काफी दिनों से रहता था, हमको लग रहा है ये बनी बनाई व्यवस्था पे रहता है, ये चूहा
और भाई और यहाँ इसकी एक बार बाहर भी दिखा। चलिए दोस्तों हम इसे यहाँ से निकालते हैं। दोस्तों ये भोजन की तलाश में इसी प्रकार से रहता है घर में, तो आप थोड़ी साफ सफाई रखिए। दोस्तों यही सांप था जो लगभग 22 साल की उम्र की एक नौजवान की मृत हो गई इसके काटने के बाद, इसी की वजह से। चलिए हम इसे बाहर लेके चलते हैं। काफी लोग अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्या चीज है भैया। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं लेकिन आप लोग समझ में नहीं आता कुछ चीज। थोड़ा सा भैया दूरी बनाए। चलिए इसके दांत हम आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं। इस वीडियो को देख करके आप काफी दोस्तों मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ जहाँ पर उनको सांप काटा हुआ है किस जगह पे काटा है। सांप का मतलब ये घर में साफ सफाई रखिए, बिल होल न होने पाए। सांप दिख गया तो जब तक वो वहाँ से चला न जाए तब तक आप उसमें एक्टिव हो जाइए। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, पूरे भारत पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग उसको इंटरटेनमेंट समझ लेते हैं कि ये तो मजाक है, बस ये सांप है बस पकड़ लिए। नहीं, वो इतना खतरनाक चीज़ है ना, जैसे ही काटेगा 25-30 मिनट एक घंटे जाते जाते आप शांत हो जाएंगे। ऐसे हुआ है सर। और जानकारी ही बचाव है, अगर बढ़िया जानकारी है तो चांद पे रहिए, और नहीं जानकारी है तो दवा पीने चले जाइए। बाद में आकर यही सोच रहे, समझ रहे हमारी बात मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा लगती होगी बात, लेकिन लगने वाली बात ही बहुत अच्छी होती है। दवा भी बहुत खड़ी होती है, अंदर जाती है तो सही बात। यहाँ सब माइंडेड लोग जुटे होंगे, लेकिन जब सांप काटा तो कोई बताया होगा दवा पी लीजिए, कोई बताया होगा हे बाबू इधर। हम लोगों ने चिल्ला के बताया भैया आज मुझे मिल गई। यहाँ से जौनपुर सिटी बहुत दूर नहीं है, कितनी दूर है? 500 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 3 दिन। 60 मिनट लगेगा, 1 घंटे। वहाँ जाइए, बढ़िया इलाज हो जाएगा, 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। इतना नहीं कर पाया, और हम कैसे करते हैं पूरे भारत में जाकर के? सोचने वाली बात है कि नहीं? ऐसे आप लोग वीडियो देखते हो, जागरूक हो जाइए। जानकारी ही बचाव है, आपसे ध्यान दीजिए कि घर में साफ सफाई नहीं। रात के अंधेरे पे बिस्तर में जाइए, उबली निकालने जाइए, भूसा निकालने जाइए, कहीं कुछ करने जाइए, अंधेरे में मत जाइए। ये निशाचर है। निशाचर का मतलब होता है जो रात में चलता है उसे निशाचर कहते हैं। रात होता है इंसान अपने बिस्तर पे आता है, और ये निशाचर बाहर निकल के टहलते हैं और काटते हैं। इनका भोजन है चूहा, मेढक या छोटे मोटे सांप को भी खा लेते हैं, तो जो भी मिला इनको लगा कि चूहा है, चलो पैर में ही काटते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू आज के लिए, बस इतना ही। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेजुबानों को बचाते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए। इतना वीडियो बनाने के बाद, इतना लोगों को जागरूक करने के बाद दोस्तों लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए इसे दूर तक आप शेयर कीजिएगा और एक कमेंट पर अपनी राय दीजिएगा। हर कोई दोस्तों अपने आप को पढ़ा लिखा ही समझता है, लेकिन जब सांप काट लेता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल जाना है, ना कि किसी झाड़फूंक के चक्कर में। थैंक यू आप सभी को, जय हिंद और बाय बाय। दोस्तों आज वो नहीं रहे हमारे बीच इस दुनिया में, मालिक उनकी आत्मा को शांति दें, और ये दुर्घटना किसी के साथ ना हो, इसे आप दूर तक शेयर कीजिएगा।